देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। शहर में दो दिन पूर्व मुख्य बाजार में निकल रही बंदोली पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसके कारण उस उपजे तनाव को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला सोमवार दोपहर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि आपसी सौहार्द बनाए रखें तथा कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व हुए पथराव की घटना के बाद अब शहर में हालात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने कहा है कि पुलिस की सोशल मीडिया पर नजर है, कहीं भी कोई गलत कमेंट या भड़काऊ पोस्ट की गई तो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने पर उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्नो, नगर विकास न्यास के सचिव वीरेंद्र सिंह चौधरी, उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, सुजत सीआई सहदेव चौधरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भंवर लाल पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। सत्यमेव न्यूज के लिए सुजत से नथाराम बोराना की विशेष रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।